आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट नारियल की कुकीज। इसे आप आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बॉल लेंगे, इसमें आधा कप बटर डालेंगे। मैंने यहाँ अमूल बटर लिया है, इसे आप इस तरह से विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बीटर यूज कर रही हूँ, इसको 2 मिनट बीट कर लेते हैं। इससे बीट करने में कम समय लगता है, इसको तब तक बीट करेंगे जब तक कि ये क्रीमी और सॉफ्ट न हो जाए। एक कप पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। चीनी और बटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटते फेंटते इसका कलर बदल जाएगा और ये क्रीमी और सॉफ्ट हो जाएगा। हम बीच बीच में स्पैचुला से बटर को एक जगह करते रहेंगे, जिससे बीट करेंगे तो वो एक जैसा बीट होगा। अब इसमें आधा कप नारियल का बुरादा डाल देंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बॉल पर छलनी रखेंगे, इसमें 1/4 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल देते हैं। सबको अच्छी तरह से छान लेंगे। अब इसे बीटर से बीट करते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हाथ से आटा जैसा लगा लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और ये बिल्कुल हल्के हाथों से करें, वरना कुकीज हार्ड हो जाएगी। एक एल्यूमिनियम ट्रे लेंगे, इस पर बटर लगा लेंगे, इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। एक प्लेट में 2-3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा डाल करके फैला दिया है। 1 कप में 3-4 चम्मच दूध लेंगे, इस तरह का 1 चम्मच लेंगे। इसमें मिश्रण डालेंगे, दबाएंगे और हल्के हाथ से थप थपाकर बाहर निकाल लेंगे। इसका शेप इस तरह का होगा। अब इसको दूध में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और नारियल के बुरादे से चारों तरफ से कोट कर लेंगे। बेकिंग ट्रे में रखेंगे। आप इस तरह से हाथ से भी इसकी कुकीज तैयार कर सकते हैं। हमारी सारी कोकोनट कुकीज़ बनकर तैयार है।
माइक्रोवेव ओवन को 170 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पर प्री हीट कर लिया था। प्री हीटेड ओवन में कोकोनट कुकीज की ट्रे रख देंगे, कन्वेक्शन मोड पर 170 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 22 मिनट तक बेक कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 2 मिनट ठंडा करके इसे वायर रेक पर रखकर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। बेक होने के बाद इसका रंग भी बदल जाएगा और इसके ऊपर दरारें भी आ जाएगी। माइक्रोवेव से निकालने के बाद इसे तुरंत उठाने की कोशिश नहीं करनी है, ये गर्म होगी और सॉफ्ट होने की वजह से टूट जाएगी। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे आप एयर टाइट कंटेनर में 20 से 25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तैयार है हमारी स्वादिष्ट नारियल की कुकीज़।